हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल टेक्निकल आत्माराम। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे क्या मेरे जितने भी आने वाले वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों दोस्तों आज का टॉपिक है कि ट्रांसफार्मर के पास में जो न्यूट्रल रहता है उसका अर्थ क्यों किया हुआ रहता है, न्यूट्रल का अर्थ क्यों किया जाता है ट्रांसफार्मर के पास में। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों शुरू करते हैं ये वीडियो। दोस्तों आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो रहते हैं, जो हमें सप्लाई देते हैं डेल्टा टू स्टार में जो मिलता है हमको, तो जो स्टार का कुछ इस तरह रहता है दोस्तों, स्टार कुछ इस तरह रहता है, ठीक है दोस्तों। अब इसमें तीन फेज आए हुए रहते हैं, एक ये हुआ, एक ये हुआ और एक ये तीनों फेज हुए दोस्तों, ठीक है। ये आर हुआ मान लो, ये वाई हुआ और ये बी हुआ। अब इसमें एक न्यूट्रल भी रहता है दोस्तों, एक न्यूट्रल कुछ रहता है, ये न्यूट्रल यहां से निकला हुआ रहता है, ये तीनों के सम पे रहता है ये न्यूट्रल। अब दोस्तों यही न्यूट्रल ट्रांसफार्मर के पास में ग्राउंड रहता है, यही इसके पास में जस्ट ये यहां समझो यहां पे वो ग्राउंड है, ठीक है। ग्राउंड या अर्थ एक ही है दोस्तों, है ना, यहां पे ग्राउंड या अर्थ बोल सकते हैं उसको ना, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये यहां पे ग्राउंड या अर्थ क्यों रहता है दोस्तों, तो इसके सबसे पहले का जो एक मेन पर्पस है सेफ्टी के हिसाब से, मतलब क्या होता है किस कारणवश अगर कुछ लाइटनिंग होगी, बिजली जब गिरती है ना कोई, तो क्या होता है इनके साथ अगर वो कहीं गिरी तो वो इसके थ्रू मतलब ग्राउंड हो जाती है दोस्तों, कहीं भी मतलब न्यूट्रल के थ्रू आके वो ग्राउंड हो जाती है। तो एक सेफ्टी ये हो गया, अपना सर्किट बच गया, अपना ट्रांसफार्मर बच गया। दूसरा ये होता है दोस्तों कि मान लो किसी घरों में हमने सप्लाई दी रहती, मान लो ये कोई घर है ना, ये घर है, ये है, ये तीन घर में बना देता हूं है ना एग्जाम्पल के लिए, ये बी है और ये सी है, ये तीन घर है। अब यहां पे मैंने R के सप्लाई दे दिया, यहां पे Y के सप्लाई दे दिया, यहां पे B के सप्लाई दे दिया तीनों में, और न्यूट्रल का तीनों में दे दिया मैंने, शॉर्ट करके तीनों में दे दिया, यहां भी न्यूट्रल दे दिया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे कंडीशन क्या होता है दोस्तों, ये तीनों का तो बैलेंस है, तीनों में सेम वोल्टेज है, कोई फर्क नहीं है, तीनों में सेम वोल्टेज है, यहाँ पे 230 वोल्टेज है, यहाँ भी 230 वोल्टेज है, मतलब 220 से 240 के बीच में वोल्टेज रहता है सिंगल फेज दोस्तों, ये सिंगल फेज है ना, यहाँ भी 230 वोल्टेज पकड़ के चलते हैं अपन, ठीक है दोस्तों। ये भी ये न्यूट्रल है यार, यहाँ पे आएगा 230 वोल्ट, ठीक है, इसमें तो 0 वोल्ट रहेगा, ठीक है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, अब तीनों को तो बैलेंस है, उनके करंट भी बैलेंस है, सब बैलेंस सिस्टम है, लेकिन क्या होता है कि ये जो एक घर वाला है, मान लो ये 10 एम्पियर करंट इसका लोड है, 10 एम्पियर का यूज करता है, ये 15 एम्पियर यूज करता है, ये तो न्यूट्रल है, ये 15 एम्पियर यूज करता है और ये मान लो 20 एम्पियर यूज करता है, या लगभग मतलब सेम नहीं है तीनों, तीनों अलग अलग है। तो इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में होगा जो बैलेंस, अब यहां पे ये सिस्टम बैलेंस रहना चाहिए, तीनों में फेज में बराबर करंट रहना चाहिए, बराबर वोल्टेज रहना चाहिए, तो ये बैलेंस करने के लिए दोस्तों ये न्यूट्रल अर्थ क्या हो रहता है यहां पे। अब क्या होगा, अब क्योंकि तीनों का अलग अलग लोड है, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर, 20 एम्पियर हो गया, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो एक्स्ट्रा करंट है दोस्तों, हर चीज रिटर्न पाथ में आते, जो एक्स्ट्रा करंट है दोस्तों वो रिटर्न पाथ में जाके इधर से ग्राउंड हो जाती है, मतलब अपना सिस्टम बच गया, जो भी एक्स्ट्रा चीजें थी वो सब रिटर्न में जाके ग्राउंड हो जाती है, मतलब सिस्टम बैलेंस करने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है दोस्तों। तो यही फर्क है दोस्तों कि ट्रांसफार्मर के पास में न्यूट्रल को ग्राउंड किया जाता है, अर्थ किया जाता है, सबसे बड़ा चीज यही है, सबसे बड़ा फंडा। तो मेरे हिसाब से ये चीज आपके समझ में आ गई होंगी। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और जो पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।